ये वो KFC ऑमलेट है जिसके अंदर ये चूरा लगेगा। आपने ऑमलेट तो बहुत खाए होंगे, बहुत जायके खाए होंगे, मगर इस चूरे के अंदर लगा हुआ और कुरकुरे वाला ऑमलेट नहीं खाया होगा। अभी तो प्लेट सजेगी सर, अभी दुल्हन घर में है और अच्छी तरह सजा के भेजा जाएगा। अभी ये देखिएगा फिल्म शुरू हुई है, अब ये यहाँ तक तो हो गया, अब बात हमारी आपकी ये जो। चलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरी इस नई सी वीडियो में। और अभी हम पहुँचे हैं एक किंग के पास, दिल्ली में हैं और आए हैं एक किंग के पास। एक किंग क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि इनके पास अंडों की बहुत सारी वैरायटी होती है। आप ये जानो कि जब मुर्गियाँ देती ना अंडे, तो इनसे आके पूछती है पहले कि इस अंडे का कौन सा रेसिपी बनने वाला है, इतनी ज़्यादा वैरायटी रखते हैं ये। तो हम चलते हैं, कहाँ पे हम लोग आए, हम लोग आए हैं सिकंदर ऑमलेट वाले के पास और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी एक की है। तो चलते हैं अंदर में, देखते हैं क्या कुछ ट्राई करने वाले हैं, उसकी मेकिंग कैसे है, उसका प्राइस क्या है और लास्ट देखेंगे उसका टेस्ट जो वो कैसा होने वाला। चलते हैं फटाफट और करते हैं शानदार सी वीडियो की शुरुआत, जहाँ दिखाने वाले हैं अंडे का एक नया रेसिपी। आइए। हाय दोस्तों, स्वाद का सिकंदर बड़े जायके बनाता है और ऐसे ही मेरे जायके बनते हैं। और भैया आए हैं पटना से, पटना वालों के लिए थैंक यू एंड सो मच। आपने KFC गए और आपने कुरकुरे खाए होंगे और खाए होंगे आपने मोमोज, वो भी कुरकुरे वाले। आइएगा वो जायका खिलाता हूँ जिसको बोलते हैं KFC स्पेशल ऑमलेट। जी हाँ, ये वो KFC ऑमलेट है जिसके अंदर ये चूरा लगेगा। आपने ऑमलेट तो बहुत खाए होंगे, बहुत जायके खाए होंगे, मगर इस चूरे के अंदर लगा हुआ और कुरकुरे वाला ऑमलेट नहीं खाया होगा। आइएगा खिलाते हैं KFC स्पेशल गोल्ड ऑमलेट। शुरुआत हो गया बनने का, KFC गोल्ड ऑमलेट कैसे बनता है वो दिखा रहे हैं आपको। पहले तीन अंडे, ये मैंने तीन अंडे तोड़ लिए हैं, अक्सर अंडे वाले भी यही करेंगे, मगर वो डालेंगे थोड़ी सी प्याज, मैं थोड़ी सी नहीं मुट्ठी भर के डालूंगा क्योंकि स्वाद बनाना है, स्वाद का सिकंदर अपने जायके नहीं छोड़ता। थोड़ी सी मिर्चें, फिर अदरक, ये धनिया, हल्के से टमाटर, जी हाँ जो पेट्रोल से भी महंगे हैं आज की डेट में थोड़े सस्ते होते जा रहे हैं, मैं वो ज़रूर डालूंगा। और पहला नमक, फिर लाल मिर्च और फिर ये बाऊजी की चुटकी मसाले की। जी हाँ, वही जायका मेरा स्वाद जो आपने पहले भी दिखाया था, मगर मैं आज जो नया फ्लेवर दिखा रहा हूँ उसको कहते हैं KFC स्पेशल ऑमलेट एंड विद गोल्ड। देखिएगा ऐसे जायके हैं जो बड़े प्यार से बनाए जाते हैं, और इस जायके को बनाने के लिए बड़ा एक चीज़ है परोसना और उस चीज़ को देना, जायकों को उतारना। आइएगा उस पर चलते हैं। आपने कुरकुरे में हमेशा मोमोज खाए होंगे या KFC में कटलेट खाए होंगे जाके, और मीट मुर्गा तो मामूली बात है जो KFC में बिकता है, मगर मैं मीट मुर्गे को अवॉइड करता हूँ और इस जायके को बनाने में बड़ा माइंड रखता हूँ। ये देखिएगा, ये हल्का हल्का ये चढ़ रहा है, KFC का चूड़ा। KFC का चूड़ा, जी हाँ। और ये अभी मक्खन भी डलेगा क्योंकि इसको फ्राई किया जाएगा लाल सुर्ख। वाह जी, कैसे बनेगा और क्या जायका आएगा ये तो आप बताएंगे, क्योंकि मुझे खिलाना है करारा और बिल्कुल ऐसा जो जीप पे रखते गए वाह क्या चीज़ है। आप शौक फरमाइएगा, क्योंकि मेरे जायके थोड़े से अलग हैं और स्वाद का सिकंदर नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि मैं नए से नए जायके ज़रूर खिलाता हूँ और ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं देखी हों। ये आ गया फिर से मक्खन। जी हाँ, मक्खन इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि जो KFC का चूरा है उसको लाल करना है, अच्छी तरह सुर्ख करना है, और अपने को आदत है कि टेस्ट देना है तो ऐसा देना है जो लाजवाब हो। और पुरानी दिल्ली के मसाले हैं और जो वो डलते हैं यूं करके, वो हाथ की चुटकी है और जब वो डलती है तो अपने आप स्वाद गूंजते हैं और ऐसे जायके बनते हैं जिसका नाम है स्वाद और फिर सिकंदर। ये क्या किया? ये तंदूरी मेयोनीज है जी, वो भी एग वाले मसाले की, क्योंकि ये हमारी होममेड है और हम वही जायका डालते हैं जी। मतलब इस तरीके से, जिस तरीके से बोल रहे हैं, अपनी चीज़ों का एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब ये देखिएगा, मैं तो चाहता हूँ कि स्वाद का सिकंदर दिखा तो रहा है, आप बनाना सीखें, मेरे साथ चलें, क्योंकि ये जायके जीप पे रखने के बाद बोले जाते हैं वाह। ये लीजिएगा, देखते हैं वो कितना सीख चुका है, आप दिखाइएगा। एक क्रंची हो चुका है और ऐसा ऑमलेट जो क्रंची के अंदर होता है वो बड़ा लाजवाब होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। कि बहुत सी चीज़ें अभी डालनी बाकी हैं, जैसे बॉयल एग्स। बॉयल एग आ गया इस पर? जी हाँ, ये धनिया, मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे जायके हैं। और अभी और बहुत कुछ जलेगा और आप देखते रहिएगा क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ है। खेल शुरू हुआ है? जी हाँ, अभी तो शुरू हुआ है ऑमलेट बनने पे। देखिए करारा बन चुका है, अभी ये देखिएगा फिल्म शुरू हुई है अब। ठीक है जी, ये यहाँ तक तो हो गया, अब बात हमारी आपकी ये जो हुई थी वो हुई थी गोल्ड वाले ऑमलेट की, और मैं जो खिला रहा हूँ उसको कहते हैं KFC स्पेशल गोल्ड। आइएगा गोल्ड को भी लगाते हैं और उस जायके को बहुत प्यार से बनाते हैं, क्योंकि बड़े प्यार से लगाना और ये चीज़ों को देना, यही चीज को मेन माना जाता है। ये देखिएगा ऐसे गोल्ड वाले ऑमलेट आपने नहीं खाए होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं अपने बाऊजी का नाम नहीं छोड़ता कहीं भी और ऐसे ही जायके बनाता हूँ, क्यों मुझे आदत पड़ चुकी है और मैं वो जायके अच्छी तरह पेश करता हूँ। स्वाद का सिकंदर ऐसे ही जायके देता है और थोड़ा सा इटालियन स्वाद है मेरा, ये इटालियन स्वाद ऑर्गेनो एंड फ्लेक्स। अरे वाह जी वाह, वाह वाह वाह, ठीक है जी। और थोड़ा सा बॉयल एग्स क्योंकि इस चीज़ को और बढ़िया बनाता है,
और बाकी रह गया इसके साथ ब्रेड देना, वो भी देते हैं हम। ब्रेड भी आने वाला है इसमें? जी हाँ, क्यों नहीं, अभी तो प्लेट सजेगी सर, अभी दुल्हन घर में है और अच्छी तरह सजा के भेजा जाएगा और फिर खाने के लिए आपको बिल्कुल मुंह में पानी आए और वो वाला काम हो। ये देखिए तो रेडी है, और बाकी रह गई केचप्स, वो भी मैं जरूर दूंगा, ग्रीन हो चाहे वो हो। और एक हाथ की लहसुन की चटनी की बनी हुई, हाथ की चटनी, जी हाँ वो भी। और ये रहा ये स्पेशल आपके आगे गोल्ड वाला ऑमलेट, जी हाँ स्पेशल गोल्ड KFC ऑमलेट आपने कभी नहीं खाया होगा, आप आइए अगर ऐसा जायका खाना चाहते हैं लीजिएगा, तैयार है आपका KFC गोल्ड ऑमलेट, जी हाँ ऐसे KFC मसाले के अंदर बना हुआ, आप आइए और शौक फरमाइएगा। 4 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक आना है, चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन अंदर रोड कट रहा है सीताराम बाज़ार, 20 से 25 दुकानें आप अंदर आएंगे, सीधे हाथ पे दुकान है सिकंदर ऑमलेट, स्वाद का सिकंदर ऐसे ही जायके बनाता है। अगर आप अंडा खाने के लवर हैं तो आइएगा, मैं नए से नए फ्लेवर खिलाऊंगा जिसका नाम है KFC ऑमलेट विद गोल्ड। तो गाइज अब बारी है टेस्ट करने का, आपने सुन लिया देख लिया और जान लिया कि ये जो है ऑमलेट, मतलब इतनी रेसिपी हो सकती है ऑमलेट की वो आपको पता चलेगा कहाँ आकर के सिकंदर भाई के पास। तो आइए हम करते हैं टेस्ट यहाँ पे KFC स्टाइल का गोल्ड वाला ऑमलेट, साथ में मिला है यहाँ पे ब्रेड, तो हम एक बार करते हैं पहले। ये देखिए इस तरीके से पहले तोड़ना है आपको, और ये मटन चिकन तो है नहीं कि मैं आपको खोल खोल के दिखाऊंगा, तो ये सिंपल सा एकदम यह ब्रेड साथ में देखो बिल्कुल क्रिस्पी, ऊपर से हो गया है यहाँ देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है, एक लेयर आपको गोल्ड का और बिल्कुल गर्मा गर्म खाने के लिए मिलेगा। तो हम करते हैं इसको एक बार, देखते हैं कि स्वाद जो है वो कैसा है। देखिए एक चीज़ मुझे अच्छा क्या लगा ना कि जो बना है वो मेरे अकॉर्डिंग है, मैं तीखा कम खाता हूँ, तीखा बिल्कुल भी नहीं है, स्वाद बहुत बढ़िया है, चीज़ का फ्लेवर है, ऑमलेट का फ्लेवर है, अंडे का फ्लेवर है, योल को जो स्प्रेड किए हैं उसका फ्लेवर है, और मिला करके बहुत शानदार, मतलब शानदार नहीं बहुत शानदार, सिकंदर भाई का नाम ऐसे ही पूरे दिल्ली में नहीं है। प्राइस बहुत जेन्युइन है, सिर्फ 150 मिल रहा है आप खाने के लिए आपको, इतना शानदार सा आइटम। और ये आइटम सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं है, कम से कम इसको 2 आदमी आराम से खाएंगे और उनके बाद दोनों आदमी का पेट जो फुल होने वाला है। तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी हैवी है और स्वाद के मामले में नो डाउट कि बहुत बढ़िया है। टेस्ट करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, थोड़ा सा ये आपका, वाह भाई हमने तो पोच खाया है, आपने भी खाया होगा, पोच खाया होगा, एक बॉइल्ड खाया होगा, ऑमलेट खाया होगा, एक फ्राई खाया होगा, लेकिन इतना सारा वैरायटी जो है ना, यहाँ दिख रहा है आपको इतना वैरायटी, ये सिर्फ कम है वैरायटी, बहुत सारा वैरायटी जो है ना इनके पास हिडन है, आप आइए ऑर्डर कीजिए, ये आपको बना कर दे देंगे, मतलब ये आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर देंगे। तो हम ख़त्म करते हैं अपने इस पूरे प्लेट को, अपने वीडियो को, और मिलते हैं आपसे नई जगह पे, तब तक के लिए बाय बाय। भाई का वीडियो अच्छा लग रहा हो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए कि आप यहाँ पे कब आ रहे हैं चीज़ों को एंजॉय करने के लिए। बाय बाय।